दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। इस बीच भारत में कोरोना की चौथी लहर की आशंका को लेकर राहत भरी खबर आ रही है। इस बीच क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के वायरोलॉजिस्ट और पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर टी जैकब जान ने कहा है कि भारत में कोरोना की चौथी लहर की संभावना कम है। हालांकि उन्होंने इस दौरान लापरवाही न बरतने और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि कोरोना की चौथी लहर की संभावना कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ सकती। बस ये कहा जा सकता है कि इसकी संभावना बहुत कम है। अगर हमने सतर्कता बरती तो हम इससे बच जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोरोना की चौथी लहर को लेकर सतर्क रहना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोरोना और उनके अनुवांशिक अनुक्रमों को देखते रहने की जरूरत है कि क्या कोई नया वेरिएंट दिखाई दे रहा है। यदि कोई कोरोना का नया वेरिएंट स्थानीय रूप से ओमिक्रॉन को पछाड़ रहा है तो एक चिंता का विषय होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो गणितीय मॉडलिंग के आधार पर वो कोरोना की लहर की भविष्यवाणी करने में विश्वास नहीं करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मनुष्य में भय को कैसे और किस उद्देश्य के लिए पैदा करने की आवश्यकता है, इसलिए मैं गणितीय मॉडल के आधार पर कोरोना की लहर की भविष्यवाणी करने में विश्वास नहीं करता। उन्होंने कहा कि अगर उनमें 2020 में ये सवाल पूछा जाता कि क्या कोरोना अलग तरह से व्यवहार करता है तो उन्होंने नकारात्मकता में जवाब दिया होता। हालांकि उन्होंने कहा कि अब 2022 में इस वायरस के बारे में बहुत सारी जानकारी है कि ये कैसे व्यवहार करता है और इसके वेरिएंट कैसे बनते हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।